स्किल वर्सेस फेडरेशन का निर्माण हो रहा है, दो दिन का आपका सम्मेलन है। एप्वा की ओर से आपके इस सम्मेलन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका ये सम्मेलन सफल हो और मजदूर आंदोलन में, महिला आंदोलन में आने वाले समय में नींव का पत्थर साबित हो। साथियों, स्किल वर्कर्स एक मजदूर के रूप में आप काम कर रहे हैं, महिला मजदूर हैं आप और महिला भी हैं। ऐसा एक मजदूर के रूप में जो आपकी लड़ाई है, महिला मजदूर के रूप में जो आपकी लड़ाई है, महिला के रूप में जो समस्याएं बोल रही हैं, जिसके खिलाफ संघर्ष है, इन तमाम आंदोलनों में आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है और आगे भी हम लोग इस लड़ाई में पूरी ताकत से आपका साथ देंगे। आज जो चीजें दिख रही हैं, जिसकी चर्चा काफी विस्तार से कांग्रेस डिपेंडर जी ने की है कि महिला मजदूरों के लिए जो कानून बने हुए हैं, कार्यस्थलों पर जो यौन हिंसा होती है, जो महिलाओं को झेलना पड़ता है, लंबी लड़ाई चली इसको लेकर के, वो भौरी बाई केस के समय से लेकर उसके बाद भी तमाम चीजें आगे बढ़ती रही। कानून तो बन गया है, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी महिला मजदूरों के लिए उनका कार्यस्थल असुरक्षित बना हुआ है। सार्वजनिक जगहों पर जो हम अत्याचार झेलते हैं, घर के भीतर हिंसा झेलते हैं और जहां काम करने जा रहे हैं उस काम की जगह पर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। और ये हम लगातार हम लोग इस चीज़ों को देख रहे हैं कि कैसे ये घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं। तो कार्यस्थलों पर जो हिंसा है उसके खिलाफ भी जो लड़ाई है, जो महिला मजदूर होने की वजह से एक खास किस्म की लड़ाई है, मजदूर होने की वजह से जो आपकी लड़ाई है, वो चाहे श्रम कानूनों में सुधार के खिलाफ लड़ाई हो, यूनियन बनाने का हक हो, न्यूनतम वेतन का हक हो और स्कीम वर्कर्स के लिए तो खास तौर पर सरकारी कर्मचारी का दर्जा मांगने की जो लड़ाई है, ये तमाम लड़ाई जिसमें तमाम मजदूर शामिल हैं, लेकिन महिला मजदूर होने की वजह से जो हिंसा झेलनी पड़ती है कार्यस्थलों पर, उसके खिलाफ जो आपकी लड़ाई है, आज आगे बढ़ाने में आपका जो भी आंदोलन है उसमें आपको आपके साथ खड़ा रहेगा। हम लोग देख रहे हैं कि इस देश में जो सरकार चल रही है, इस सरकार के रहते हुए महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का अधिकार, ये लगातार उछला जा रहा है। और उसके बाद जो चीजें दिख रही हैं, आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, बहुत लंबे समय से हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि ये जो रसोई गैस की कीमत, ये जो पूंजीपतियों के हवाले छोड़ दिया गया है कि जितना मुनाफा कमाना है पूंजीपति मुनाफा कमाएंगे, सरकार सब्सिडी खत्म करके वो अपना हिस्सा कमा रही है और सारा बोझ जो आम महिलाओं पर पड़ रहा है, बहुत आंदोलन के बाद ये 200 रुपया घटा है, लेकिन तमाम क्षेत्रों में जो महंगाई है, एक स्किल वर्कर को जो आज पैसा मिलता है, चाहे वो मानदेय मिल रहा हो, वो प्रोत्साहन राशि मिल रही हो, या जिस रूप में वो पैसा मिल रहा है, क्या इस पैसे के बल पर आज उनके लिए परिवार की एक, कह लीजिए परिवार चलाने वाली, परिवार के लिए आमदनी करने वाले व्यक्ति के रूप में वो आज उसकी गिनती नहीं है। महिलाओं को यह समझा जाता है कि वो सहायक है, सहायक की भूमिका में आपकी जो आमदनी है वो घर चलाने का मुख्य स्रोत नहीं है, बल्कि आप सहायक की भूमिका में है, इसलिए कुछ पैदो जिसके जरिए इनका घर चले। और एक तरह से महिलाओं के श्रम का ये पूरी तरह से शोषण है, महिला श्रम का ये लूट है। तो महिला श्रम के इस लूट के खिलाफ जो पूरे देश में आप आंदोलन चला रहे हैं, आज स्किल्ड वर्कर्स को कितना पैसा मिल रहा,
बिहार में अभी एक सफल आंदोलन हुआ है, जीत हासिल हुई है, तब 2,500 रुपया मिलना। रसोइयों के लिए यहाँ लंबी लड़ाई लड़ी गई, 1,000 रुपया मिलता था, वो बढ़कर 1,600 रुपया मिल रहा है। दूसरे राज्यों में कुछ ज्यादा है, लेकिन तब भी इस बात पर जरूर प्रश्न खड़ा किया जाना चाहिए कि एक तरफ जो अधिकारी होते हैं उसी काम के, उसी विभाग के, जो ऊंचे पद पर हैं, उनको आप 4-5 लाख रुपए तक वेतन देते हैं, और उसी काम को जो नीचे जमीन पर उतारता है, जो आपकी इस योजना का रीढ़ है, उसको आप 2,500 रुपया देते हैं। ये इतना बड़ा गैप क्यों? ये इतना अंतर क्यों? श्रम का सम्मान क्यों नहीं, हमारे मेहनत का वाजिब पैसा हमको क्यों नहीं मिलेगा? आज इस देश के भीतर मुट्ठी भर लोग हैं जिनके पास अभूत पैसा है, और बड़ी संख्या है जो दिन रात मेहनत कर रही है, खट रही है, लेकिन वो अपना घर भी कायदे से नहीं चला पा रही। आप जरूर गांव में जाकर के, और महिलाओं को जो आशा करनी है वो बताती है कि भाई पौष्टिक भोजन खाओ जिस समय गर्भावस्था है, लेकिन हम और आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान की 80% औरतों के लिए पौष्टिक भोजन क्या होता है, यह आज भी समझना मुश्किल है। तो आज ये इस देश की हालत है, और इस देश के खिलाफ अपने हक के लिए कि हम मेहनत करते हैं, और ये इतनी बड़ी गैर बराबरी समाज में महिला होने की वजह से तो हम गैर बराबरी झेलते ही हैं, लेकिन आज मजदूरों के बीच, आज काम के बीच जो इतनी बड़ी गैर बराबरी बनाई गई है, जो बड़ा गैप बन गया है, दुनिया के बहुत कम देशों में ऐसी स्थिति है कि इतना आर्थिक गैप आपको देखने को मिलेगा कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा, बहुत आमदनी, और बड़े हिस्से को काम करने के बाद 1,600 रुपया। स्किम वर्ग को ये खत्म करने की चाहे जितनी भी योजना बना रहे हो, स्किम वर्ग खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यही स्किम वर्कर्स है जिनके खून पसीने की लूट पर ये मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसलिए ये स्कीम वर्कर्स को खत्म नहीं कर सकते, और स्कीम वर्कर्स की लड़ाई आगे बढ़ेगी। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली यहां बहुत सारी बहनें हैं, क्या स्थिति बनी हुई है? हमने हड़ताल के दरमियान देखा, पूरे ब्लॉक में एक अस्पताल होता है, एक पीएचसी है, जहां पर महिलाओं की डिलीवरी की व्यवस्था है। आशा कार्यकर्ता जो पूरे अपने वार्ड में, पूरे गांव में, उनको दिन रात काम करना ही है, लेकिन वो ग्रामीण इलाके की अगर है तो उनको अपने महिला मजदूर को लेकर के अपने अस्पताल तक ले जाना कितना मुश्किल भरा काम है। और उसके बाद आज जिस तरह से निजीकरण किया जा रहा है, जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, कई बार उनको बाध्य कर दिया जाता है, ये जो तमाम स्थिति है, तो ये इस देश में आखिर क्यों आजादी के 75 वर्षों के बाद भी इस देश की औरतों को यह हक नहीं मिला है कि वो एक स्वस्थ जीवन जी सकें? इस देश में औरतों को शिक्षा मिले, इसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, और आज मोदी जी के शासन में एक बार फिर से लड़कियों को शिक्षा से वंचित करने की कोशिश हो रही है। कॉलेज की पढ़ाई इतनी महंगी कर दी जा रही है कि अब पढ़ाई नहीं हो पाएगी। गांव में जाके हम लोग देख रहे हैं, मैट्रिक करने के बाद इस साल हमने बहुत जगह देखा कि गरीब महिलाएं कह रही है कि अब कॉलेज भेजना संभव नहीं है बेटी को, कुछ काम इसको मिल जाता तो ठीक था। मतलब इस देश की एक बड़ी आबादी गरीब परिवार की महिलाएं, गरीब परिवार की लड़कियां अब उच्च शिक्षा से वंचित की जाएंगी। वो नहीं सपना देख सकती हैं कि वो डॉक्टर बनेंगी, इंजीनियर बनेंगी, दूसरे क्षेत्रों में जाएंगी, वैज्ञानिक बनेंगी, चांद पे पहुंचेंगी। उनके लिए यही आशा और आंगनबाड़ी का काम निर्धारित किया जाएगा, और 2,500 और 5,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। तो इस सरकार से हमारा कहना है कि इसको मंजूर नहीं करेंगे हिंदुस्तान की औरतें। अगर हम इसके ऊपर के रूप में काम कर रहे हैं, हम मेहनत कर
देनी होगी। सरकारी कर्मचारी तुमको मानना होगा और इसकी लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी, आप लड़ेंगे और आपके साथ हम तमाम लोग इस लड़ाई में खड़े रहेंगे। साथियों, आपके संगठन का आज प्रथम सम्मेलन हो रहा है, एपुआ का भी राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में होने जा रहा है इसी महीने के अंत में, और आपके सम्मेलन से जो कुछ भी प्रस्ताव बनेगा निश्चित रूप से हम लोग कोशिश करेंगे कि एपुआ के राष्ट्रीय सम्मेलन के मंच से ही हम उस लड़ाई को आगे बढ़ाएं, उस लड़ाई में आपके भागीदार बने। जहां कहीं भी स्कीम वर्कर्स के बीच काम शुरू हुआ, एपुआ के साथियों ने पूरी तरह से उसमें मदद की है, उसमें लगे रहे हैं, आंदोलन में भागीदार रहे हैं। इस बिहार में जब आंदोलन चले हैं, एपुआ के लोग हर जगह लगे हुए रहे हैं। आज भी हमारे बहुत सारे साथी मुकदमा झेल रहे हैं, एपुआ के नेता लोग हर गेट पे पहुंचना पड़ रहा है, चाहे वो रेल रोको आंदोलन रहा हो, चाहे वो सड़क जाम करना रहा हो, तमाम आंदोलनों में महिलाएं खड़ी रही हैं। और आगे भी आपकी जो ये लड़ाई है, उस लड़ाई में एक महिला होने के नाते एक मजदूर आंदोलन, क्योंकि महिला आंदोलन अलग से कुछ नहीं है। आज अलग से किसी महिला को आप नहीं देख सकते हैं। महिलाएं आज समाज के विभिन्न क्षेत्र में सामने आ रही हैं। इन तमाम तबके की महिलाओं को संगठित करने की कोशिश, तमाम तबके की महिलाओं के मंच के रूप में एपुआ है, और निश्चित रूप से आपके साथ लड़ाई में शामिल रहेगा। यही कहते हुए आपके सम्मेलन को शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।